बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम कोचिंग एकेडमी फर्स्ट टाइम पेशावर में एलईडी डिजिटल बोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी बोर्ड का फ़ायदा ये है कि एक डायग्राम स्टूडेंट के लिए रियल डायग्राम सामने लेके आते हैं और ये एक डायग्राम मोर देन 1000 वर्ड्स कवर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्लेटफॉर्म से अभी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, वो सब्जेक्ट्स जो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें आप लोग टेस्ट देते हैं, वो इसी प्लेटफॉर्म से अभी डिफरेंट वीडियोज़ की शक्ल में, डिफरेंट नोट्स की शक्ल में और वेल क्वालिफाइड टीचर की मौजूदगी में आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम है, सबसे बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क और फिज़िकल क्लासेस, ये भी 27 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर है वो भी मौजूद है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा अल्हम कोचिंग एकेडमी के नाम से फेसबुक पे पेज भी मौजूद है और यूट्यूब पे अल्हम कोचिंग एकेडमी के नाम से अपना चैनल भी मौजूद है। इसी एलईडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो काम क्लास में आप कर ले या ऑनलाइन लेक्चर में आप देख ले, वही रियल यानी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ ही रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से एनएमडी के 2020 में ये एमसीक्यूज था। अभी देखिए, आयुपेक नेम ऑफ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, ऑप्शन सामने मौजूद है। स्टूडेंट्स, आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, वीडियो को पास कर ले, फिर जब आप वीडियो आखिर तक देखें, जो ऑप्शन इधर हम बतलाते हैं उसके साथ आप अपना ऑप्शन देखें। अगर आपका ऑप्शन सही है, इट्स मीन कि आपका कंसेप्ट उसी टॉपिक पे कवर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद इन 10 सेकेंड्स हम इसी का शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, नोट कर ले। आयुपेक नेम ऑफ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, नीचे ऑप्शन मौजूद है। अगर हम गौर से देखें कि इधर हमारे पास देखिए मिथाइल ग्रुप 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप है। नीचे ऑप्शन में देखिए, इधर हमारे पास मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। इधर ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या है, 2,6-डाइमिथाइलसाइक्लोहेक्सिनोन, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक आएगा। और ऑप्शन को भी देखते हैं, 3 मिथाइल, इधर हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 1 मिथाइल ग्रुप, ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। इस ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन, 4-methyl-3-hexanone, इधर कितने मिथाइल ग्रुप मेंशन है, 1 मिथाइल ग्रुप, ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। तो विद इन 10 सेकंड्स ऑप्शन सामने मौजूद है। अभी अपने ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लेते कि जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है आया वो ठीक है या नहीं। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, 2,6-dimethylcyclohexanone हमने ठीक ऑप्शन इसका लगा है। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन, हेक्स बोलते हैं 6 कार्बन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है हेक्सेन हो गया, डबल बॉन्ड हेक्सेनोन हो गया। अभी देखिए इधर क्या मेंशन है, 2,6, नंबर एक आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इधर हमारे पास 2,6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3, 6 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3, ये भी है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हर एक कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन लगा ले कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इधर 3 बॉन्ड कार्बन बना चुका है, इधर आप एक बॉन्ड लगा ले, इधर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, इधर आप 2 बॉन्ड लगा ले, हाइड्रोजन लगा ले, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन लगा ले, इधर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, इधर आप 1 हाइड्रोजन लगा ले। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप इसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की तादाद गिन ले। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप
इसके हाइड्रोजन हमने काउंट नहीं करने। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ये सी एच थ्री इधर मौजूद है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट हाइड्रोजन। ऊपर कितने हाइड्रोजन मेंशन है? 8। कार्बन की तादाद गिन ले, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी 6 कार्बन। ऑक्सीजन की तादाद क्या है? 1। इधर भी क्या है? 1 मौजूद है और 2 मिथाइल ग्रुप। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? बी था। और भी आप आंसर को जस्टिफाई कर लेते तो ऑप्शन ए को देखिए। इधर हमारे पास 2 मिथाइल 3 हेक्सेनोन है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर ले स्टूडेंट्स तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी देखिए 3 हेक्सेनोन कार्बन नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 थर्ड पोजीशन पे है हमारे पास 2,6 डाई मिथाइल 2 मिथाइल 3 हेक्सेनोन। अभी देखिए 3 हेक्सेनोन थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा ले हेक्सेनोन बन जाएगा। अभी 2 मिथाइल 2 भी क्या है? मिथाइल ग्रुप CH3। अभी हाइड्रोजन लगा ले कि हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए और 4 कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इधर हाइड्रोजन लगा ले ये 2 मिथाइल 3 हेक्सेनोन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के मुताबिक क्या है? रॉन्ग है। रीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि इधर 2 मिथाइल ग्रुप मेंशन है, उधर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप मेंशन है, इधर हमारे पास क्या है? 1 मिथाइल ग्रुप मेंशन है। अच्छा स्टूडेंट्स अभी करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि कंप्यूटर हमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन बतलाते हैं। किम ड्रा की मदद से हम सही ऑप्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था? बी था। डियर स्टूडेंट्स अल्कोहल एंड फिनोल के चैप्टर से ये MCQs था NMDCAT 2020। अभी देखिए फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सी रीजन की बुनियाद पे? ऑप्शन ए में देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज इन द OH ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स शॉर्ट ट्रिक है कि हमारे पास ये फिनोल के फिनोल के ऊपर इस तरह नेगेटिव चार्ज आता है। फिनोल के केस में इस तरह OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरह नहीं आता यानी हेजाओल। तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। ऑप्शन बी को देखिए डीलोकलाइजेशन इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम कि इस तरह फिनोल बना ले और इसकी मौजूदगी में हाइड्रॉक्सी ग्रुप के मौजूदगी में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना ये भी हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। फिनोल के केस में हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। ये ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये फिनोल वाटर में ऐड करने से हाइड्रोजन आयन देता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से फिनोल हमारे पास क्या एसिडिक इन नेचर है। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये O नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं उसी टाइम ये कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, इधर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से बॉन्ड डबल मौजूद, इधर डबल बॉन्ड मौजूद। इसका एक और रेजोनेंस फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर लेता है उसी टाइम ये कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इधर पहले से डबल बॉन्ड मौजूद था डबल बॉन्ड ओ, इधर नेगेटिव चार्ज। इसका एक और रेजोनेंस फॉर्म ये बनेगा, ये ओ नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर लेते हैं उसी टाइम ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेता है। तो हमारे पास इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा इधर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज मूव कर लेते, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। ये ऑप्शन क्या है?
करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को भी देखें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द OH ग्रुप, के पॉजिटिव चार्ज यानी OH ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। कंप्यूटर में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने यानी करेक्ट कहा है, ऑप्शन सी इज क्या है करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्लेटफॉर्म के साथ ही रहिए, NMDK 2020 का पेपर, इंजीनियरिंग टेस्ट के जितने भी पेपर्स है वो इसी प्लेटफॉर्म से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वालिफाइड स्टाफ, उसमें बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सारे टीचर आप लोगों के साथ बहुत कोऑपरेटिव रह के आप लोगों के जितने भी टॉपिक्स है वो कवर कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।